अरे अंदर जाके सब ध्यान दो ना। धमाजी कहाँ? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं, अभी आ जाएंगे। अरे टाइम हो रहा है, इस वक्त वो पुलिस स्टेशन क्यों गए? बोल के गए थे जल्दी आने के लिए। ठीक है, जाकर देखे खाना हुआ क्या। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे जाना है। रामेश्वरम धनुषकोडी। आपका नाम क्या बताओ? ये लो माजी। बेचारे सब पता नहीं कब से भूखे हैं। ये लीजिए। हाँ ठीक है, जाइए। आपका नाम बताइए। रानी। आपका और आपके गांव का नाम बताइए। मेरा नाम है शिवशंकर पिल्ले, नल्लूर यलपनम। शरीर की कोई निशानी हो तो बताइए, दाग या कोई जख्म का निशान? दाग निशान तो हैं तो बहुत सारे। ये देखिए इधर, यहाँ पे। ठीक है ठीक है। ये क्या इतना बड़ा दाग? इसे हमारे गांव में बहुत छोटा सा दाग कहते हैं। तुम आ गया हो, अब पूरा नाम बोलो। आइए। नमस्ते। नमस्ते। इतने सारे लोग? वहाँ की हालत बहुत खराब है। इसका कोई अंत नहीं है? यह है मिस्टर रतन सिंह, आप सबको रुकने के लिए जगह देकर इन्होंने ही मदद की है। नहीं, मदद वदत नहीं। आप सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते मालिक। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस गांव से आपके गांव को समुद्र ने अलग किया है, लेकिन उसके नीचे भी जमीन ही है। यह भी आपका ही गांव है और हम लोग आपके सगे वाले हैं। जो कानून का काम है वो कलेक्टर साहब करेंगे और जो सगे संबंधियों का काम है वो मैं करूंगा। चिंता मत कीजिए, जल्द ही अच्छे दिन आएंगे। ये सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन आपको हमारी छोटी मदद करनी होगी। यहाँ पर हमारे पुरखों का मंदिर है, यहाँ आने के लिए आपको हमें आज्ञा देनी होगी। मालिक, ये आपकी ही जगह है, हम लोग तो शरणार्थी हैं, आप हमसे आज्ञा मांग रहे हैं। नहीं नहीं, आज और अभी से ये जगह आपकी है, आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। मैं चलता हूँ। शुक्रिया मालिक। समंदर के उस पार अपना गांव है, वहीं पर चले जाएं क्या चाचा? अब से यही अपना गांव है जीवन। लेकिन कब तक? जब तक हम यहां हैं। जिंदा रहने तक? बदलना होगा जीवन, तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। जमीन छोड़कर सब भूल जाऊंगा, ऐसा मैंने बहुत ही गलत सोचा था। हम वापस अपने गांव चले जाएंगे चाचा, अपने ही देश चले जाएंगे। नहीं, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुमने साथ रहने का वादा किया है। मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें भी मेरे साथ वहीं रहना होगा। बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। चलो खाना खाते हैं। चलो बेटा। इधर आ मालिक। अच्छा ये बता, कल कहाँ गायब हो गया था? पट्टी बनवाने के लिए अस्पताल में गया था मालिक। पापा। अरे बसंती, तू कब आई? अभी आई। पढ़ाई खत्म हो गई? कॉलेज में फर्स्ट आऊंगी। हाँ, तेरी बात पे भरोसा कर लें क्या? वेट एंड सी। नाश्ता तैयार है, आइए नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, चलिए। चलो चलो।
वो तो बोल रही थी पास हो जाएगी। हाँ तो फिर वापस हॉस्टल जाएगी क्या? क्यों दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपसे उसने कुछ बोला क्या? पास होगी तब तो आगे की पढ़ाई करेगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पास होने की उम्मीद बहुत कम है। ये सही है भाई, मैं तो अनपढ़ ही अच्छा हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बुआ जी, एक घंटे में वापस आ जाऊंगी। बिना नाश्ता किए कहाँ जा रही हो? मंदिर में दिया जलाने। बेटी बसंती, वहाँ शरणार्थी लोग आकर रुके हैं, अंदर जाने से पहले उनसे एक बार पूछ लेना। शरणार्थी? आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत लोग वहाँ रुके हैं बेचारे, रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। ठीक है पापा। अरे भैया, उस बेलू को 200 रुपया दे देना। क्यों, उसे थप्पड़ मारा उसके लिए? कल ही मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए 200 रुपया दिया था। हाथ में कपड़ा बांधकर मैं हॉस्पिटल जाकर आया, ऐसा मुझे उल्लू बना रहा था। झगड़ा होगा, यहाँ भी तकलीफ देंगे क्या? रागिनी, माँ यहाँ पर है, चलो आगे चलते हैं। माफ करना। शरणार्थी है ना? ए! ये मैंने म्यूजिक कैंप में सुना था, पक्का आप लोग शरणार्थी हैं। बताओ ना, आप लोग शरणार्थी है ना? हाँ है शरणार्थी, तो उसके लिए क्या? शरणार्थी भी इंसान ही होते हैं, जानवर नहीं। Thank you.
उस बोर्ड का लिखा बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शरणार्थी मतलब दूसरों के लिए तो एक नाम है, और वो सुनकर हमें जो दर्द और तकलीफ होती है वो कोई नहीं सोचता, इसलिए उसे बदल दिया। बदल दिया तो उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे बदलने से कुछ नहीं होगा। ये बोर्ड भी हमारा नहीं है जीवा, इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर इतनी फिक्र करेंगे तो यहां नहीं रह पाएंगे। अब आ गए हैं तो यही रहेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। और गलत लगता है तो ये जगह छोड़कर फिर से वहीं चले जाना चाहिए जहां से आए थे। खाना खाया? अब क्या सोच रहे हो तुम? उस बोर्ड पर बदल कर लिखने से कुछ नहीं होगा, ये मैं भी जानता हूं। अभी तो मैंने बोर्ड पर बदल कर लिखा है, लेकिन सब बदल जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है। और किसी ना किसी वजह से उसका कारण हम ही होंगे। तुम्हें और तुम यहां पर खड़े हो, सर्दी हो जाएगी तब पता चलेगा। ठीक है डरो मत, मैं पहुंच देती हूं। किसने यहां बांध के रखा है तुम्हें? रुको 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 रुको, एक मिनट ना, चलो 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 चलो, बारिश कम हो गई है, चलो जल्दी। परेशान मत करो, चल। यहीं पर रुकिए। अरे लाइट क्यों ऑफ कर रही हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपको कुछ दिख रहा है क्या बुआ जी? अंधेरे में कैसे कुछ दिखेगा, पहले लाइट ऑन कर। चल कुछ भी मत कहिए, अच्छे से देखकर जवाब दीजिए ना। हाँ मैं यहाँ खड़े हूँ और बछड़ा यहाँ था। आप थोड़ा यहाँ आइए। अब ठीक है, अब ठीक से देख कर बताइए। आप बताइए कि कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ? बहुत इम्पोर्टेंट बात है बुआ जी, आप सीरियस हो जाइए। हाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बताइए ना। अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तुझे जरूर कुछ हो गया है। अरे इस तरह अंधेरे में कहाँ कुछ नजर आएगा, पहले लाइट ऑन कर। तो सच में कुछ दिखाई नहीं दिया है ना? अब आप जा सकती हैं। एकदम पागल हो गई हो। हे भगवान, लाइट ऑफ करती हो, चुनरी हटाकर पूछती हो कुछ दिख रहा है, ऐसे कैसे कुछ दिखेगा? यहाँ वहाँ क्यों घूमती रहती हो? जरूर कुछ हो गया है तुझे, कितनी बार मना किया है। उसे कुछ दिखाई दिया होगा क्या? अब देख लिया होगा तो फिर देखने दो। Oh.
बेटी, जब तुम्हारे कपड़े सिलाई हो जाएंगे तो मेरे कपड़े वापस कर देना, नहीं तो पुलिस वाला देखेगा तो मुझे पकड़ ही लेगा, समझी? चाचा जी। दादा जाएंगे। ए, क्या होलिया बना रखा है? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं तुमने? जल्दबाजी में गांव से निकले थे तो नमस्ते। पापा, मैंने आपसे कहा था ना, ये वही हैं, मेरे फ्रेंड हैं। नमस्ते। क्या बेटी बसंती, माता के मंदिर आई हो क्या? हम आपसे ही मिलने आए हैं। आप लोग वहां से आते वक्त एक ही कपड़े में आए होंगे। बड़ों के लिए तो ठीक है, वो कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बेचारे बच्चे लोग, उनके कपड़े तो बदलने चाहिए ना। हमारी बसंती आपके बच्चों के कपड़ा के लिए जिद कर रही थी, इसीलिए लेकर आए हैं। आप लोग मना मत कीजिएगा। ये ले पकड़। देखिए, ये जगह, ये मंदिर आपकी है, यहाँ पूजा करने का हमें हक दिया, साथ में बच्चों की भी मदद कर रहे हैं, और हम लोग बदले में सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया। आइए ले लीजिए। पापा, कपड़े आप अपने हाथों से देंगे तो ये खुश हो जाएंगे, है ना चाचा जी? जो बेटी बोल रही है वो सच है, आप अपने हाथों से। ठीक है जीवन, बच्चे सब कहाँ है? वो लोग नहीं आएंगे, आप लेकर रखिए, बाद में उन्हें दे देंगे। नहीं, पापा अपने हाथों से देना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम लोग ही दे देंगे। बेटा, तुम क्यों मना कर रहे हो? भाई साहब, आप बच्चों को लेकर आइए। मेरे बोले बिना बच्चे नहीं आएंगे। जीवन, तुम जो बोल रहे हो वो सोच समझ के ही बोल रहे हो ना। चाचा, इनसे कहो कि देकर चले जाएं, या फिर ले जाने के लिए कहिए। अरे सब लोग ऐसे खड़े क्यों, चलो जाओ। हम तो आपकी मदद करने आए थे, अच्छी इज्जत दी आपने। क्यों रे, क्या हुआ, यहाँ क्यों आया है? हम मार खाने की सोच रहा है। रुकने के लिए जगह दे दी, बच्चों को आपने कपड़े दिए, लेकिन वो बच्चे ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, नया आदमी, और जिसे नहीं जानते हैं, अगर उसके हाथों से कपड़े लिए तो वो भीख मांगना होगा, और जिंदगी भर ये बात उनके दिल में बैठ जाएगी। अगर वही चीज माँ बाप के हाथों ली होती तो उन्हें अच्छा लगता, वो खुश हो जाते, इसलिए मैंने सब रख कर जाने के लिए कहा। आपका अपमान करने का मेरा मकसद नहीं था, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? इनका नाम शिव है पापा, जीवन कह के बुलाते हैं। जीवन, उस वक्त मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, इसीलिए लेने वालों की तकलीफ में नहीं जान पाया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। बसंती, चलो बेटी। अंदर जाओ, भगवान के पैर छुओ। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। ऐसी बात मत करो, अपने गांव में इंस्पेक्टर बनकर आए हो, खुशी की बात है। भैया आइए। हाँ ऐसा ही साहब, 10 या 10:30 का अच्छा टाइम है, अभी 9:30 बज रहे हैं, शुभ मुहूर्त में 1 ही घंटा बचा है। अच्छा समय देखकर तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लो, मैं पुलिस चौकी के आजू बाजू में भी नहीं जाता, तू जा करा। जैसा आप कहे। अब बाद में भैया। हाँ हाँ, इनके लिए नया रूम भी देख लिया है और खाना बनाने के लिए एक आदमी भी रख दिया है। अगर ये यहाँ रुकेगा तो खुशी की बात है, और अगर इसे प्राइवेसी चाहिए तो इसके लिए नया रूम। ये भाई इंस्पेक्टर अच्छे है ना? जी बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? दीदी अच्छा समय निकल जाए इससे पहले भेज दो। एक बात बताइए, ये बसंती नजर नहीं आ रही।
वो कहाँ घर में रहती है, जब देखो तब कैंप, अभी भी वहीं पर गई होगी। शरणार्थियों का कैंप, पर वहाँ पर क्यों? मंदिर में दिया लगाने जाती है ना, वहाँ किसी से उसकी दोस्ती हो गई है, तब से वो शरणार्थी कैंप में ही जाती है। पहले तो घर में भी रहती थी, अब तो वहीं रहती है। बसंती से बात करके ड्यूटी में लगूंगा ऐसा सोचा था। ठीक है, मेरा वक्त हो रहा है, पुलिस स्टेशन निकलना होगा। बसंती आए तो बोल देना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। हाय श्रवण। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अच्छी ट्रेनिंग चल रही है लगता है। बात यह है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। एक मिनट रुको। माउथ ऑर्गन मेरे लिए? हाँ, तुम उस दिन फोन पे माउथ ऑर्गन के बारे में बात कर रही थी ना, इसीलिए तुम्हारे लिए लाया। पसंद आया ना? बहुत पसंद आया। मुझे ज्वाइन करने जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, उसके बाद तुमसे काफी बातें करनी है। अब तो आप यहीं पर रहने वाले हैं ना, तो बाद में आराम से बात कर लेंगे। पहले आप ड्यूटी ज्वाइन करके आराम से काम कर लीजिए, पहले ही दिन छुट्टी मत कीजिएगा, ठीक है ना इंस्पेक्टर सर? ओके मैडम, बाय। बाय। ये क्या कर रहे हैं, आपको बाल काटना भी आता है क्या? पता नहीं इनका क्या होगा। चाचा ने हमारे बाल ठीक से नहीं काटे ना, तो हम मुर्गन स्टाइल में इनके बाल काट देंगे। हाँ, अब ये मुर्गन स्टाइल क्या है? तुम्हारे देश के पलानी मुर्गन के जैसा। हाँ, पर बहुत सूट करेगा। बड़ा टकला, छोटा टकला, चला जा आजा। कैसे हो मास्टर? क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे अचानक से मास्टर क्यों बुलाने लगी? मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो। जीवन, आज से तुम मुझे माउथ ऑर्गन बजाना सिखाओगे, ठीक है ना? तो फिर तुम हुए ना मेरे मास्टर। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुमने जो कहा वो मैं नहीं सिखा सकता। मैंने जो कहा माउथ ऑर्गन सिखाने के लिए, तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ना पता होने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। खेलो ना, मैं और माउथ ऑर्गन दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एए! एए! चली जाओ। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आज से तुम इस कैंप में नजर नहीं आना। मैं आऊंगी। पागलों की तरह बात मत करो। मुझे यहाँ आने से तुम नहीं रोक सकते, समझे? मैं यहाँ आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ क्यों आए हो तुम? सब देख रहे हैं, मुझे मारना मत प्लीज। अरे वो बात नहीं है, मुझे माफी मांगनी है। तुमने जो किया वो गलत नहीं था, वो तो तुम्हारा हक है, क्योंकि हम इतने करीब जो आ गए हैं। वो क्या है ना, तब थोड़ा दुख हुआ था पर अब बिल्कुल उदास नहीं हूँ। सुनो, तुम्हारे पास पापा बुआ सब है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इस गांव में कोई खतरा नहीं है, एक शांति भरी जिंदगी है। ये सारी खुशियां तुम समझ नहीं पाओगी, लेकिन हम जैसे सब झेलने वाले इंसान समझते हैं। इतनी अच्छी जिंदगी को ऐसे ही खो मत देना। अगर तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी में आने का कारण मैं हूं तो मुझे माफ करना। माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। मेरे बारे में तुमने गलत सोच लिया है,
एक दिन एक शाम सहन नहीं कर सकती हो तुम। हमारी जिंदगी इतनी खौफनाक है, मत आना। मास्टर, वन मिनट। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अब तक मेरे मन में एक डर था कि शायद मैं ही प्यार करती हूँ तुमसे, पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए इतना ख्याल रखते हो तुम, तो अब मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है। रात को नींद नहीं आई? नई जगह है ना भाई, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बम की आवाज, बारूद का धुआं, इन सब आवाजों के भी सोने की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए शायद। तुम्हें बस वहम हो गया है कि यहाँ भी वैसे। मैं तो उसे बहुत पहले से जानता हूँ, जब तुम छोटे थे। अरे अरे अरे, क्या हुआ? नीचे क्यों गिर गया? चाचा, बेटा उठ उठ। चाचा उसे छोड़ दीजिए। उठ जा, उठ जा। क्या हो गया है इसे? आप डर गए क्या चाचा? हम लोग तो खेल रहे थे। कैसा खेल है ये? आर्मी पकड़ खेल चाचा। क्या है ये? आपको नहीं पता, ये मशीन गन है। बिल्कुल नहीं। ये सब खेल यहाँ नहीं खेलते। यहाँ हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो। क्रिकेट से बोर हो जाते हैं, कितनी भी बार बॉल फेंको वो फटता ही नहीं है। ए, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाओ जाके क्रिकेट खेलो, जाओ। ए, रुक जा। कौन सा खेल पसंद है तुझे? आर्मी पकड़ खेल हमें बहुत पसंद है। तो वही खेलो। ये आर्मी और मैं आतंकी, हम यही खेल रहे थे। किसे कौन पहले मारेगा उसे ही जाकर मारो, जाओ। चलो चलो चलो, डिशुंग डिशुंग डिशुंग। बेचारे मासूम बच्चे, इन्हें भूलने का एक समय मिला है, फिर क्यों तुम इन्हें मिलिट्री आर्मी करके याद दिलवा रहे हो? जो कुछ हो गया उसे भूल कर हमें क्यों जीना है? अंदर आग है, उसे बुझने मत दो। हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा कोई नहीं है, डरो मत, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कह दो। मेरी बात मानो, रास्ता छोड़ो। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी, सिर्फ एक बार कहो तो सही। तैरना आता है तुम्हें? नहीं आता। रास्ता छोड़ो, नहीं तो दरिया में फेंक दूंगा। ए, ओके ओके ओके, मैं तुम्हारे रास्ते में आती हूँ। क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम भी तो मुझे बहुत चाहते हो ना, तो फिर क्यों ऐसी मुरझाई हुई शक्ल बनाकर रखते हो? उस याल पानम से हम इंडिया में पिकनिक के लिए आए हैं, मार खाकर सब कुछ खोकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ये बात तुम जानते हो ना, यहाँ सिर्फ दर्द ही नहीं प्यार भी है। ए! मौत देखी है तुमने? देखी है। तुम्हारे गांव में उम्र होकर जो मरते हैं ना, वो मौत नहीं। हमारे वहां माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार दोस्त ऐसे सब लोग साथ में तड़प दो। अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ चारों तरफ खारा पानी है, लेकिन एक पहाड़ी में मीठा पानी भी मिलता है, और तुम बिल्कुल वैसे हो मीठे उस पानी की तरह। अरे सुन भाई, थोड़ी दे। सब रुक जाओ, चाचा आ रहे हैं। हाँ, ए चलना फेंकना। अरे क्या सोच रहा है? पत्ता क्या डालना? पत्ता डालना। हाँ, चल डालना। अरे आप भी आइए, बैठिए, हमारे साथ खेलिए ना। खेलने के लिए हथौड़ी और करवत की क्या जरूरत? काम भी तो करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात भी सही है। चलो चलो भाई, उठो। चाचा चलो चलते हैं। रुको जीवन, क्या है ये सब? बोर्ड बना रहे चाचा, पता नहीं चल रहा है आपको? वो सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। जरूरत क्या है इसकी?
अच्छी बोट लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए पुरानी लेकर ठीक कर रहे हैं। लेकिन बोट किस लिए? शरणार्थी कहलाना पसंद नहीं, जीने मरने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना, बस इसीलिए जाने का फैसला कर लिया। चाचा डरिए मत, आपके जीवन को हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। ए देखो, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, लिए हुए हर फैसले का असर हम सब पे होने वाला है। किसी तरह से हम एक जगह पहुंचे हैं, यही काफी है। मुझे देखो कितना दुख झेला है मैंने, एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 लोगों को एक एक करके अपनी आंखों के सामने गंवाया मैंने। ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, यहां तक कि अपनी माँ, मेरी बीवी, भाई बहन, पोता पोती, पूरा परिवार, सारे लोगों को गवा चुका हूं मैं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ जीवन ही बचा है, मेहरबानी करके इसे मुझसे अलग करने की कोशिश मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूं, इस जीवन के बिना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। चाचा डरो मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो चलो बेटा। साइकिल का पंक्चर बनाना नहीं आता, तो कार का पंक्चर दूर की बात है। नहीं नहीं, वो ड्राइवर देख लेगा। ठीक है मैं चलता हूँ। मुझे जल्दी घर पहुँचना है। तो ठीक है जाओ। रुको 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 ना, तब तक साइकिल पर एक राउंड मारें क्या? क्या? नहीं नहीं, मतलब तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। वो कैसे? इससे ही। इसमें कैरियर वैरियर नहीं है, मुझे ए, हाथ हटाओ, इतना भाव क्या खा रहे हो, साइकिल तोड़ दूंगी क्या? चलो 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 ना। नहीं आप मुझे छोड़ दीजिए, ये साइकिल आप मेरे चाचा के पास दे देना। मैं साइकिल नहीं चला सकती, स्कूटी चलानी आती है, पर ये नहीं आती। चलो ना। ये बेल भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, एकदम खड़ूस। चलो ना। गोविंदा हरे रामा रामा हरे कृष्णा जय जय राम जय जय राम रामा रामा गोविंदा गोविंदा हरे रामा। आप मुझे यहाँ पर किस लिए लाई हैं? इस जगह को रामपादम कहते हैं। यहाँ खड़े होकर राम जी तुम्हारे देश की तरफ देखते रहते थे। पता है किसे ढूंढते थे? सीता माता को। राम जी को उनके बारे में पता चला, वैसे ही तुम्हें भी तो अपनी साथी मिलनी चाहिए ना। अब जाएंगे? हाँ जाएंगे। तुम्हें अपनी जीवन साथी के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे साथी की कोई जल्दी नहीं है, लगता है तुम्हें ही बहुत जल्दी है। गुरुजी। थैंक्स गुरुजी। ए जीवन, जीवन रुको। ए रुको ना जीवन। अरे ये क्या, वापस हम उसी जगह आ गए? रास्ता चूक गए क्या? नहीं, हम सही जगह पर आए हैं। थैंक यू। खसे खरगोश, खसे खरगोश, खसे खरगोश, खसे गाय, खसे गाय। जीवन, खसे घास, जीवन। ए जीवन क्या है रे, हंसना शुरू कर दिया तो कान को खो दिया क्या? जीवन शुभा, तुमसे कुछ बात करनी है।
सारे पक्षी पिंजरे में बंद होने वाले हैं। पता नहीं इन बेचारों को कभी आजादी मिलेगी भी या नहीं। 7 साल का प्यार है, तेरे अंदर प्यार मर चुका है, लेकिन मेरे अंदर प्यार जिंदा है। सुबह तो हर रोज होती ही है ना, लेकिन भूख को सहना हमारी आदत बन चुकी है। मुझ पे तरस नहीं आता है तुझको? यहाँ सिर्फ तुझ पे तरस नहीं खाना है, जितने लोग हैं सब पे तरस खाना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उन लोगों के बारे में ही कह रही थी। तुम उसे प्यार करती है या नहीं करती? यहाँ प्यार करने के लिए नहीं आए हैं, शरणार्थी बनकर आए हैं। शोभा, हाँ किरुमन, हाँ ये लो, ये पेंट लाने में देर हो गई, इसे अच्छे से ले जाना। क्या हुआ, उदास क्यों लग रहे हो? शोभा पिल्ले के ऊपर गुस्सा करके चली गई। जीवन जरा तू उसे समझाना। ठीक है, मैं शोभा से बात करता हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ, तुझे रोना भी आता है क्या? पिल्ले को बचपन से ही जानती हूं, मुझसे 4 साल सीनियर था। तिलीपल यूनियन कॉलेज मुचंदी में 4 बजे अपने प्यार के बारे में उसे बताया था, आज से 7 साल पहले। उसके बाद सब कुछ बदल गया है, प्यार तो अनसक्सेस ही रहा। उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है, उस दर्द के बारे में अभी तुम नहीं समझोगी। इंडिया में हम लोग क्या हैं? पिकनिक मनाने आए हैं क्या हम इंडिया में? प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अभी जो सुकून से जी रहे हैं ना थोड़ा सा, उस तरह से जीने का मौका भी हम लोग गवा सकते हैं, ये तुम समझ रहे हो, लेकिन वो पिल्ले नहीं समझता। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? यहां पर प्यार करना गुनाह है। जीवन उसे ये बात समझाओ, तुम बोलोगे तो शायद समझेगा। और एक बार अपने लिए नहीं रोऊंगी। तू यहां पर बैठा है, हम लोग तुझे कैंप में ढूंढ रहे हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है आप लोगों के साथ जाने का। तू चाचा को छोड़कर मत जा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे साथ में ले चल रहे हो या नहीं? मैं ले जाता हूं। हम ये नहीं मानेंगे। जीवन तू चाचा के साथ ही रहेगा। अगर आप लोग मुझे लेकर जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेले जाना होगा। मैंने जाने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ, बसंती परेशान कर रही है क्या? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे बस जाना है, और मुझे कोई रोकना मत, और ना ही कोई मुझे रोक सकता है। चाचा आ रहे। चाचा, चाचा जी रुकिए, चाचा जी रुकिए, चाचा जी सुनिए ना,
सुनिए तो सिर्फ, मैंने ऐसा क्यों बोला पता है? नहीं जी भाई, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो क्या बोलूं? जब तुम खुद ही जाने को तैयार हो गए तो यहाँ रुक के और क्या बात करूं? पीछे लगाई हुई आग चांद के उस पार, मेरी माँ को लगाई हुई आग पेट के नीचे, और मेरी लगाई हुई आग पलानी मुर्गन की जैसी। पता नहीं ये सही वक्त है या नहीं। इस समय तुमसे ये बात करना गलत होगा, लेकिन जरूरी भी है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये चाचा जी भी जानते थे और वो बहुत खुश थे, तो क्यों तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो मैं नहीं जानती। चाचा जी की बस दो ही ख्वाहिश थी, पहली यलपनम में बिना चले गड्ढा खोदकर उस मिट्टी में मिट्टी बनकर मिल जाना, और दूसरी जीवन को उसका जीवन साथी मिल जाए, तो उसका एक बड़ा सा परिवार हो,
और वो जिंदगी भर खुश रहे। उनके जो लोग मारे गए हैं उनका पुनर्जन्म होकर इस परिवार का विस्तार हो, यही दो ख्वाहिशें थी उनकी। इसके लिए तुम मेरे साथ रामेश्वरम में रहो ऐसा मैं नहीं कहूंगी। चाहे तुम किसी भी गांव में रहो लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जीवन। मैं तुम्हारे साथ कोई भी दर्द सह लूंगी। एक अच्छी बीवी बनकर, एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी दोस्त बनकर जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा यकीन करो जीवन। मेरे लिए नहीं तो कम से कम चाचा जी की आखिरी ख्वाहिश के लिए। श्रवण, क्या बात है, परेशान दिख रहा है। वैसे मारा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वैसे मारा तो वो मर जाएगा, फिर तो मैं ही मर जाता हूं। क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं मर जाता हूं। रुक, बात क्या है पहले ये बता। बैल चुराने वाले लड़के को आपने ले जाकर स्कूल में भर्ती कराया। 9 साल की उम्र में मैं पहली कक्षा में गया, सब इतने 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 बच्चे थे और मैं इतना बड़ा। सब मुझे कितना चिढ़ाते थे पता है, फिर भी बसंती से शादी करने के लिए मैंने पढ़ाई की, उसके लिए मैंने सब कुछ सहन किया। तो आप क्या हो गया। मुझसे इंस्पेक्टर बनने के लिए कहा था, उसके लिए कितनी एक्सरसाइज की मैंने, ये आपको पता भी है। 10 पैसे की भी रिश्वत नहीं ली मैंने कभी। मेरी गरीबी की वजह से आप मेरी बसंती से शादी नहीं करवाएंगे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बसंती किसी और की हो रही है तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। पागल हो गया है। तुझे लग रहा है कि तू अपने आप यहां ट्रांसफर होकर आया, तुझे मैं लाया हूं और जिस घर में तू रह रहा है ना, तुझे और बसंती को एक साथ देखने के लिए उसे मैंने बनाया है। बसंती तुझे नहीं मिलेगी, किसने कहा। बसंती ने ही कहा। बसंती ने, ये सारा उस बुड्ढे का काम है। कौन सा बुड्ढा, क्या बोल रहा है तू। वो शरणार्थी मामा, वो है ना जीवन का चाचा, उन्होंने वहां जो भी खोया है सब यहां पाएंगे। वो अपने भतीजे की शादी बसंती से करवाना चाहते, यही सारा प्लान चल रहा है उन लोगों का। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बसंती के साथ तेरी शादी होगी, ये फैसला तेरा नहीं, ये फैसला मेरा है। मेरा फैसला और ऊपर वाले का फैसला एक ही होता है। मैं कैंप से चाचा की अस्थियां लेकर आता हूं, सब लोग तैयार रहना। लेट मत करना, जल्दी आना। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ा जरूरी काम से जा रहा हूं। तुमने सुना नहीं, तुमसे ही बात करनी है, समझ गया। क्या बात करना चाहते हैं आप। मेरा गांव तुम्हें बहुत पसंद आया।
बहुत पसंद आया। मेरा घर भी तुम्हें बहुत पसंद आया होगा। मैं कुछ समझा नहीं। बर्मा से एक अंग्रेज इंजीनियर को बुलाकर मैंने यह घर बनाया। मेरी पूरी दौलत जमीन जायदाद के साथ बसंती भी तुझे पसंद आ गई। क्या हुआ है यह बसंती से ही पूछ लीजिए। सब पूछ कर ही आया हूं। मंदिर में रहने के लिए जगह दिया तो अब मेरे घर में जगह बनाना चाहता है। सच क्या है यह जाने बिना ही आप बोल रहे हो। क्या नहीं जानता हूं मैं। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो। गलत कर रहे हो। हाँ गलत ही है। तुम पर रहम खाकर मैंने मदद की वो गलत है। हाँ गलत ही है। उस दाढ़ी वाले बुड्ढे पर मैंने विश्वास किया और उसने धोखा दिया। इससे ऊपर आपने चाचा के बारे में एक शब्द भी निकाला तो कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। जाइए, निकल जाइए। मुझे धमकी दे रहा है? इस कैंप से बाहर जाएगा तो बिना खाए पिए मरेगा। यही औकात है तेरी। और तुझे चाहिए प्यार। आज तक तो मुझे सिर्फ रावण गलत लगता था, लेकिन तुम लोग भी वैसे ही हो। अपनी जान मत गंवाइए, जाइए यहाँ से। ओए, ये मेरा गांव है, मार डालूंगा। बसंती के परछाई के पास भी जाएगा तो मार डालूंगा। तू एक शरणार्थी है, ये याद रखना। बसंते, बसंते, बाहर आ जाओ। बसंते, मैं नहीं नहीं बोल रहा था लेकिन तुमने सुना नहीं। शरणार्थी उतना मजबूत होता है क्या? वो प्यार नहीं कर सकता? क्यों, वो इंसान नहीं है? उसमें जान नहीं होती? हाँ देखो देखो, मुझ में भी वो सब कुछ है जो एक इंसान के अंदर होता है। देखो जीवन, जीवन पापा देख लेंगे। देखने दो, अच्छे से देखने दो, उन्हें दिखना चाहिए। शरणार्थी हूं मैं, एक वक्त का खाना ना मिलने वाला शरणार्थी। मैं खुश होकर यहां पर नहीं आया। वो दाढ़ी वाला चाचा कौन था जानती हो? उनकी जायदाद मान सम्मान कुछ पता है तुम्हें? उनकी पढ़ाई कितनी हुई थी जानती हो? जानती हो तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके इस तरह से बात करने की? मार डालूंगा, निकल जाओ। अभी बोलता हूँ, ये शरणार्थी बोलता है, रावण के देश से आया हुआ बोलता है। आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो भी इसी के साथ। कोई नहीं रोक सकता मुझे, और आप भी नहीं रोक सकते। समंदर का पानी बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या यार, अभी तक जीवन नहीं आया? अच्छा, जीवन नहीं आएगा, चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, जीवन आएगा, थोड़ा इंतजार करते हैं। सुनो, जीवन को पुलिस ने पकड़ लिया। ये क्या बोल रहा है? चल 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 मेरे साथ। ए जल्दी चल, उठ बे, उठ। बोल, कहाँ गया था? हथियार लाने? जो पूछ रहा हूँ बता। ए, बोलता है कि नहीं? बोल। वो क्या? बोल, बोल। दस माचिस और एक बंडल धागा हो गया तो काम हो गया, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। क्या करने वाला है? बोलना क्या करेगा? बोल। क्यों मार रहे हो मुझे? ये बात तुम भी जानते हो,
और मैं भी जानता हूं, चुपचाप अपना काम करो। ए बोल, बोल क्या पता है तुझे, बोल तुझे क्या पता है, बोल ना। जान भी चली जाए तो भी मेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकलेगा, समझे? एक बूंद आंसू नहीं देख सकता, पर खून तो देख सकता हूं, खून तो देख सकता हूं ना, खून ही देखूंगा। अरे सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे मत मारिए सर, सर छोड़िए सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार डालूंगा सर, मार डालूंगा तुझे सर, सर छोड़ दीजिए सर, याद रखना सर वो मर जाएगा सर, छोड़ूंगा नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, सर प्लीज रहने दीजिए सर। डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट को होश आ गया है, पकड़िए इसे। शांत हो, शांत हो जाओ प्लीज, आराम से, आराम से, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखिए ना, देखिए ना माय फ्रेंड, प्लीज डोंट शाउट, प्लीज चिल्लाने से स्टिचेस खुल सकते हैं, अपने आप को शांत रखो। आज क्या तारीख है, कौन सी तारीख है, ज्यादा हिलो मत, मर जाओगे, बसंती मर जाएगी, मुझे जाना है, शांत हो जाओ। डॉक्टर इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो जल्दी, आवाज मत करो, शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलिए मुझे, मुझे शांत रहो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, शांत रखो अपने आप को, शांत रहो, शांत रहो, बस हो गया, हो गया, हो गया। कम से कम उसे 10 साल की सजा होनी चाहिए। बेचारा कोर्ट में गया तो उसे सजा हो जाएगी सर। अच्छा, मुझे एडवाइस दे रहा है, जो बोला वो कर, अगर ये लोकल होता ना तो मैं इसका एनकाउंटर कर देता, इसे लेके जाओ यहां से। क्या किया जो आपने इसे इतना मारा? क्या समझते हो खुद को? तुम इंसान हो या फिर जानवर? ये डिपार्टमेंट की बात है, तुम घर जाओ। ए, इसे लेके चलो। रुको, बिना कारण जाने मैं यहां से नहीं जाऊंगी, पहले जीवन की गलती क्या है ये मुझे बताओ। बसंती, ये पुलिस स्टेशन है, घर पे जाके बात करते। ए, इसे गाड़ी में उठाओ। इसे मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी। मैंने जो बोला वो करो। छोड़ो, हाथ मत लगाओ, मुझे तुमसे नफरत है। इसके साथ तेरा क्या संबंध है? हाँ, चल घर जाओ, वहां जाके बात करते हैं। हाँ, मेरा और इसका संबंध है। देखो बसंती, मेरी बात ध्यान से सुनो, शरणार्थियों के लिए सरकार के कुछ नियम कानून है, शाम 6 बजे के बाद ये लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये कल रात 10 बजे तक बाहर था, इसलिए इसे पकड़ा। क्या गलत किया? कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए इसे मारा। हाँ, अगर तुम्हें पता चल गया ये कहाँ था तो इसे छोड़ दोगे? तुम सिर्फ यही जानना चाहते हो ना कि ये कहाँ था? वो फैसला तो कोर्ट करेगा। तो मैं कोर्ट में आकर गवाही दूंगी। अब तुम भी सुन लो, जीवन मेरे साथ था, हो गया ना? बसंती प्लीज, फालतू बातें बंद करो और घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लिपट कर सोया था ये, अब तो पता चल गया ना? अब रुके क्यों हो? जाओ, ले जाओ, जाओ ना। अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से नहीं डरूंगी। अब जाओ, टाइम हो रहा है ना, जाओ कोर्ट लेकर जाओ।
इसे छोड़ दे। सर सर एफआईआर सर। अब कचरे में डाल दे। शर्म नहीं आती? एक लड़की हो ना तुम। अभी क्यों मेरे पीछे आ रही हो? उस एसआई ने मारा तो भी दर्द नहीं हुआ मुझे, ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? दिल में जो होता है वो जुबान पर आता है। और तुम्हारे दिल में प्यार बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे घर वाले मुझे जेल भेजकर बहुत खुश थे और तुमने मुझे मार डाला। तुमसे प्यार नहीं करता मैं और हम दोनों में कुछ नहीं है, समझ गई? रुको, तो फिर क्यों मेरे घर में आकर सबके सामने तुमने ऐसे रावण के देश से आकर मुझसे प्यार करते हुए ऐसा कहा? वो तुम्हारे घर वालों पर जो गुस्सा था इसलिए मैंने कह दिया। अगर तुम्हें मेरे पापा के ऊपर गुस्सा था तो मेरे पापा भी तो वही थे ना, उनसे झगड़ा कर लेते, प्यार करते हुए ऐसा क्यों कहा? गलत है, गलती हुई। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है? पुलिस स्टेशन में इतने लोगों के सामने वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था बसंती। जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर खून देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जीवन। बसंती, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? बताओ कहाँ है वो, कहाँ है वो बदतमीज लड़की? क्या हुआ बताएंगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? उसने सर पर बिजली गिरा दी, पूरे गांव में उसने मेरी इज्जत उतार दी, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ ये तो बताइए मुझे। वो जो शरणार्थी है ना, उसके साथ संबंध बनाया ऐसा उसने बोला। कौन? अपनी बसंती? क्या? हाँ, इस बात को उसने पुलिस स्टेशन में अपने श्रवण के सामने बोला। हाय भगवान, अब देखना मैं उसका क्या करता हूँ। कहाँ है वो, कहाँ है वो? बसंती अगर आज के बाद कैंप के तरफ गई ना तो उस लड़के को भी जला दूंगा। ऐसा कहा ना आपने? उसे जलाने से इतनी खुशी मिलेगी तो पहले मुझे जलाइए, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जीवन है। आपको मुझे जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को जला लूंगी। ये यही बसंती, बसंती, तू मर जाएगी तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? हम दोनों साथ में ही मरते हैं। पापा, पापा नहीं, पापा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मालिक,
और डालो। नहीं मालिक, बहुत ज्यादा हो गई, अब मत पियो। तो क्या हुआ, मर जाऊंगा? हाँ और डालो। ऐसा मत बोलो मालिक। उसे आग लगाकर मरने के लिए पैदा किया था। अगर वो अच्छा लड़का है भी तो क्या बसंती की शादी उससे करवा दे? उसके बाद वो उसे लेकर अपने साथ चला जाएगा। पता है जहां उसका घर है वहां एक से बढ़कर एक हादसे होते हैं। हर रोज न्यूज़पेपर में मरे हुए लोगों पे बसंती का नाम है, बसंती का नाम है, क्या देखते रहना पड़ेगा? दीदी दीदी बसंती को, अरे आप बसंती को समझाओ मुझे छोड़कर ना जाए। अगर वो चली गई ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब सच कह रहा हूँ दीदी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। हाथ छोड़ो। हाय। बहुत गुस्से में हो क्या? इतने तप क्यों रहे हो? जाने दो। तुम पागल हो क्या? जो भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? बॉडी पर डीजल डाल दिया था सुना था मैंने, अगर जल जाती तो क्या होता? तुम्हें मरना बहुत ही आसान लगता है ना? नहीं, सीरियसली किया था। ठीक है, वैसे मैं मर जाती तो तुम क्या करते? लव फेलियर, फिर उसके बाद तुम जिंदा रहते या फिर मर जाते? मैं जिन्हें चाहता था वो सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए, आखिर में बस तुम ही हो मेरे लिए, तुम्हें खो नहीं सकता। ये कांटा लगाकर क्या कर रहे हो? मछली फंसाने के लिए भाग्य होना चाहिए, और ये मछलियाँ सिर्फ मीन राशि वाले इंसानों के हाथ ही लगती हैं। अच्छा वैसे तुम्हारी राशि क्या है? हाँ जीवन, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बारिश गिरी हो। वो वहां पर देखो, वहां पर हमारा गांव है, और उस गांव के तो सारे घर टूट गए होंगे। बरगद का पेड़ भी गिर गया होगा ना? गिरा नहीं, पक्का गिर गया होगा। बरगद के पेड़ के ऊपर मेरी मैना ने घर बनाया था, वो घर भी गिर गया। मेरी चिड़िया जीवन भैया। अरे अनु क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जीवन भैया, हाँ। आसमान से बिजली गिरी, हाँ। तो वो बरगद का पेड़ गिर जाएगा। गिर जाएगा क्या, बोलिए ना। हाँ, तुम्हारे उस बरगद के पेड़ में एक चिड़िया ने बहुत ही अच्छा सा घर बनाया था ना? हाँ। हाँ, उसने 3 अंडे भी दिए थे ना? हाँ। तो वो अभी 5 बच्चे देकर बहुत ही खुशी से उड़ रहे हैं। सच में भैया? हाँ सच बोल रहा हूँ, सब अपने आप उड़ने लग गए, झगड़ा फसाद सब बंद हो गया, वापस हम स्कूल जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, भागेंगे कूदेंगे सब खुशी के साथ। भैया कैसे जाएंगे? हमें ले जाने के लिए बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। कब आ रहा है? बस अभी आता ही होगा। बसंती दीदी, आपको क्रिकेट खेलना आता है क्या? ए मोना ला बैट दे।
दी बोला ना। मत खेलो दीदी, मत खेलो, मत खेलो। ए बॉल डाल। ए वो देखो जीप आ गई, जीप आ गई। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को अपने गांव जाने का ऑर्डर आ गया है। जिन्हें जाना है वो अपना नाम दे सकते हैं। हाथ मिलाओ भाई, अच्छी खुशखबरी सुनाई है। हाँ हाँ, और हम सब लोग तैयार है साहब। कल हमारे ऑफिसर कैंप में आएंगे, अपना अपना नाम लिखवा दीजिएगा। ठीक है साहब, चलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे चलो बाजू जाओ, बाजू जाओ, गाड़ी जाने दो, चलो हट जाओ, हट जाओ भाई। अरे बात है चलो ना, चलो जाने की तैयारी करते हैं। दीदी बैठ दीजिए ना, खेल खत्म हो गया। तुमने भी जाने का फैसला कर लिया क्या? लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन साथ में तो आ सकती हूँ ना। बोलो ना जीवन, मुझे अपने साथ ले चलोगे? मुझ पर जो प्यार है उसके लिए तुम ऐसा कह रही हो? सामने देखोगी तब पता चलेगा। पता है मुझे, सब कुछ पता है। टीवी और पेपर में देखने जैसा नहीं है, आकर देखोगी तब पता चलेगा। ए बसंती, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, कहो कि मुझे अपने साथ ले जाओगे? क्या कर रही हो, खून निकल रहा है तुम्हारा। छोड़ो, मुझे खून निकल रहा है तो तुम्हें डर लग रहा है ना? मेरी आंखों में देखो, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता। सच कहूँ तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता, इसलिए तो मैंने इतनी आसानी से अपना हाथ काट लिया। यकीन करो जीवन, तुम्हारे गांव में बम फटेगा तब भी मैं नहीं डरूंगी, झगड़ा होगा तब भी नहीं डरूंगी, हिम्मत से रहूंगी और रोऊंगी भी नहीं। अब बताओ ना, मुझे अपने साथ ले चलोगे? बोलो ना। ठीक है, पहले पट्टी बांध दो। नहीं, पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, फिर पट्टी बंधवाऊंगी। ठीक है, चलो। मुझे ले चलोगे ना अपने साथ? समझाया पर सुनता ही नहीं, कहता है कि आपसे मिलकर ही जाएगा। मालिक पागल हो गया, तो उसके लिए किसी को भी अंदर आने दोगे क्या? दिमाग नहीं है? आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोलो। अकेले में बात करनी है बोला ना। ये जो हैं, इनके साथ मेरी बेटी की शादी होने वाली है। ये हमारी फैमिली के ही है और ये हमारा वफादार नौकर है। इनसे छुपाकर यहां कुछ नहीं होता। अब बोलो, इनसे ही बसंती का शादी करवाने का फैसला कर लिया है क्या? बोलो, तुम किस लिए आए हो पहले ये बताओ। अगर फैसला कर ही लिया है तो शादी करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? बसंती बहुत अच्छी लड़की है, उसे उसे मरने मत दो। हाँ।
हमारे जैसी जिंदगी बसंती को मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपका उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। बसंती उससे प्यार करती है, बहुत नादान है वो। अभी आप उससे कुछ भी कहोगे समझ नहीं पाएगी, बहुत छोटी है। जीवन को हम संभाल लेंगे। आप जिससे चाहते हैं उससे शादी करा के बसंती को बचा लीजिए। बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। भाई हमें पता नहीं था कि आपका एक पैर नहीं है, इसीलिए दया की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों में बहुत से लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन सबके अंदर अपनापन है और उनकी जो हिम्मत है वो उन्होंने नहीं खोई। जीवन से टकराएंगे तो आप जीत नहीं सकते। याद रखिएगा, ये युद्ध आप ऐसे नहीं जीत सकते, ये आपकी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। इसने कुछ खाया कि नहीं खाया आज? बच्चा पैदा हुआ वो लड़का है या लड़की, ये देखने से पहले ही बसंती की माँ चल बसी। आज तक बसंती की फिक्र उसके पापा को रहती है। बसंती का क्या होगा क्या नहीं, बस इसी की चिंता रहती है। रात को अपने पापा के पास सोती थी, बच्ची की नींद न खुल जाए ये सोच कर वो सुबह होने तक वो बिल्कुल उसी तरह लेटे रहते थे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अपनी बच्ची की खुशी के लिए उन्होंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा। बच्ची के लिए जीना है बस यही सोच रहे थे, और जिंदगी भर अकेले रहे, बसंती ही उनकी जान है। उनसे जुदा करोगे तो वो मर जाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। तुम्हारा नाम क्या है भाई? धन्ना राम सर। इसमें एक साइन करो। हाँ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सत्या। भाई सब कब भेजेंगे हमें? सब रेडी हो गया है, बहुत जल्दी चली जाओगी। मेरा बच्चा यहाँ शरणार्थी की तरह पैदा नहीं होना चाहिए। इसमें साइन करो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सरिता है। यहाँ पे साइन कर दो। हाँ चलो जाओ। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है, मुझे जीवन बुलाते हैं। ए पांडे। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, इधर आओ। हाँ ये लो साइन करो। नमस्ते साहब। हाँ देखा ना ये लड़का जा रहा है। काम हो गया तो वो जा रहा है सर। क्या कहा फिर से बोल, क्या कहा, किस मतलब से बोला? तुमने उस दिन पुलिस स्टेशन में सुना था ना, उसी मकसद से बोला ना। पूछ रहा हूँ बोलना, बोल। ए रोक, क्या बात है, एक साइन करके निकल रहे हो यहां से? हैं? बसंती को छोड़कर जा रहे हो तुम? ए, 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 क्या है? हाँ? तेरे चेहरे पर तो बहुत खुशी है। वो बसंती उस दिन बोली थी वो सच है क्या? नहीं ना, झूठ है ना? हैं? झूठ 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 ही होगा, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, झूठ होगा। ए, ए हाँ झूठ होगा। ए ए ए ए मैं पूछ रहा हूँ तू जा रहा है? वो उसने जो बोला था वो झूठ ही था ना? हाँ बोलना। बसंती को, बसंती को, बसंती से शादी करके उसे खुश रखो, उसे दुख मत देना। बसंती की जिंदगी में जीवन नाम का कोई इसके बाद नहीं है। आज के बाद का मतलब? ए, 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 सु, ए, पांडे पांडे सु, आगे चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो।
साइन कर दिया तूने? तो प्यार क्यों किया था? रुक, अगर बसंती को छोड़कर जाएगा तो खुद की जमीन पर शरणार्थी बन जाएगा। गलत किया है तूने जीवन। इधर आ, इधर आ, चल। इधर आ, मेरे होश उड़ाकर तू यहां हवा खा रहा है? क्या कहा था तूने? बसंती के जीवन में अब कोई जीवन नहीं है, आज के बाद नहीं रहेगा। ए, ए, वहां क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख। क्या बोला था तूने? बोलना। जीवन, छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल जा। तूने इसके लिए ही मुझे जिंदा रख रखा है ना, वरना तो तू मुझे मार देता। मारेगा ना? चल मार, 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 मार ना, मार। यूनिफॉर्म में हो, उसकी इज्जत करना जानता हूं मैं। नहीं, ए, रुक। मैं अभी आता हूं, मैं अभी आ रहा हूं। अरे मालिक, मेरी धोती। रुक, आता हूं, रुक। यूनिफॉर्म में तुझे प्रॉब्लम हो रही है ना? रुक, आता हूं, रुक। आजा, 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 आजा। वाह।
वापस जाने में खुशी भी हो रही है और साथ में डर भी लग रहा है। अरे ऐसा क्यों कहते हो? कौन जिंदा है कौन मर गया क्या पता। हाँ तुम जो बोल रहे हो वो बात भी सही है। अरे ये कौन है? अरे यहाँ पुलिस क्यों आई है? चलो जल्दी चेक करो। चलो 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 इसे क्यों मारा आपने? छोड़िए सर, एक पेटी मिला है सर। चल 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 सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। किसने किया होगा ऐसा काम? सर इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर लड़की पे हाथ मत उठाइए। सर, सर इसमें कोई साजिश है। साजिश है? ये सब कौन लेके आया? मुझे अच्छे से पता है। ए, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जाके इसे गाड़ी में चलो चले कर चलो जल्दी करो। चलो सर 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 कहाँ से जा रहे सर? सर उसका नाम है जीवन। जीवन मैंने जैसा कहा वैसा अगर तूने किया तो मैं तेरे फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा, वरना वहां छूटे तो भी छूट सकते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा मुझे? मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। वैसे तो हम पहले भी बात कर सकते थे, कुछ बिगड़ा नहीं है, हम बात कर सकते हैं, एक डील है। एफआईआर भी नहीं लिखी है, तो तू और तेरे फ्रेंड्स मिलकर श्रीलंका चले जाओ, इसी में भलाई है, समझ गया ना? वापस चला गया तो बहुत है, इतना भी बहुत है। तू बसंती को अच्छे से रखेगा, मैं वापस जाने को तैयार हूं। अभी मुझे तुझ पर भरोसा नहीं रहा। एक तेरे फ्रेंड्स या बसंती है या फिर तू है, बोल। एफआईआर रेडी है? जीवन हमारे बारे में मत सोच, तू यहां से निकल।
गुड फ्रेंड्स। जीवन जीवन जा यहाँ से, चल से। मैं जा रहा हूं, इन्हें छोड़ दो। अगर कोई धोखा दिया तो एफआईआर मेरे ही पास है, इंडिया बॉर्डर में फंसेगा जो कि मेरे अंडर में नहीं है। मैं श्रवण नहीं हूं, जीवन हूं। ए, ए पांडे। हाँ सर। गर्मा गर्म चाय बोल। ठीक है सर। और इन लोगों को भी छोड़ दे। ठीक है सर। चलो बाहर आओ, बाहर आओ, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, तू भी आ। हाँ चलो 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 जल्दी चलो, यहाँ निकल। सारे चले गए ना। हाँ जीवन चला गया तो बसंती तुमसे शादी करेगी। ए, जा ना, खुश नहीं है क्या? नहीं तो मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा, चल। सर मेरी तो कोई गलती भी नहीं है सर, माफ कर दो सर, मुझे जाने दो सर, आपने तो मेरी धोती भी ले ली, अब छोड़ दो ना सर। सर मेरी धोती नहीं पहनूंगा सर आज के बाद से सर। सर बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं सर, जाने दो ना सर। सर सर उस माँ की कसम खा के बोलता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है सर। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई सब? हाँ सर, बस आपका ही वेट कर रहे हैं। सबको अच्छे से भेज दीजिए, इसी दिन का इन्हें इंतजार था। श्योर सर। अरे अब ये सब छोड़ो ना माँ, हम शरणार्थी की तरह थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो पांडे यहाँ। हाँ सर। वो जीवन दिखाई दिया, वो अभी तक दिया, उसे जल्दी से लेकर आओ। ठीक है सर। ए, ए, पांडे इधर आओ। हाँ सर। और घर पे फोन करके पूछ लेना, बसंती तो घर में है ना। ठीक है सर। ओके। सब कुछ खोने के बाद कभी तो सुबह होगी, ये सोचकर सिर्फ चांद को हथेली पर लेकर आया था। जैसा सोचा था वैसा एक मौका मिला है। अपने प्यार के लिए वो लोग मुश्किल में ना पड़े, उन लोगों के लिए मुझे जाना ही होगा। सबको वहां छोड़कर मैं जरूर आऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी और श्रवण की शादी पापा ने तय कर दी है, सिर्फ 14 दिन बचे हैं। उसके मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने से 1 घंटे पहले तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। मेरी शादी का समय और मरने का समय एक होगा। जीवन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। चलती हूँ।
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूं। मेरी जमीन और तुम दोनों एक जैसे हैं। मैं पक्का आऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो मैं मर गया समझ लेना। जीवन, तुम मरोगे नहीं, तुम जरूर आओगे। सर हाँ? वो आ रहा है। हाँ, 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 सही कहा। अरे गाड़ी चलाना, क्या सोच रहा है? नो, इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये फोटो इसके पास से मिला है। इस लड़की के बारे में इसने कुछ बताया क्या? इसके पीछे एक डेट लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ बताया क्या? हे, फोटो में जो लड़की है वो कौन है, और इसमें जो डेट लिखी हुई है उस दिन तुम क्या करने वाले हो? बोल 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 बोल, क्या करने वाले हो? इसका ऑपरेशन वाइज से अब तंग मत कीजिए। ये श्रीलंका से यहाँ क्यों आया है? कोस्ट गार्ड ऑफिसर को मारने की कोशिश की है इसने। इस डेट को कोई बड़ा हादसा होने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। क्या करने वाला है ये सिर्फ इसे ही पता है। ये एक आतंकवादी हो सकता है डॉक्टर। इंस्पेक्टर, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है। आपके लिए आतंकवादी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक पेशेंट है। प्लीज आप जाइए। डॉक्टर, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। बोला ना, बाहर जाइए फौरन। मेरी बात ध्यान से सुनो, बिना मेरी परमिशन के इस रूम में कोई नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके डॉक्टर, गुड। इनसे मिलो। हेलो हेलो हेलो, ये बसंती है। हाय। जब देखो ये आपके बारे में ही बात करता रहता है। सही कहा, बात करता है तो आपकी, और ख्यालों में भी आप ही रहती हो। सोते समय भी आपका ही सपना। मैडम, स्माइल प्लीज। क्या रे भाई, लड़की हंसती नहीं है क्या? ए, सुनो, नीचे सब वीआईपी बैठे, वहां जाओ। तुम्हें शायद चाची ढूंढ रही थी, तुम उनसे मिलो। तो बहुत तकदीर वाला है भाई, बहुत खूबसूरत है बसंती। क्या इसी वजह से शरणार्थियों पर झूठा केस ले आगे भेजा? मेरे रूम में सारा स्टॉक रेडी है, मैं दूल्हे का ड्रेस।
अरे सर, अरे अरे सर, सर सर मेरे पैर दुख रहे हैं साहब, साहब क्या कर रहा हूँ, अरे साहब मैं मर जाऊंगा, अरे साहब मैं मर जाऊंगा साहब, मैं मरीज हूँ साहब। बसंती, तुमने नई साड़ी नहीं पहनी? नहीं पापा, माँ की साड़ी पहनी है। तुम अपने बाप से नाराज हो ना? बैठ बेटी। जब तेरी मां मरी थी तब मैं नहीं रोया था, क्योंकि मेरे हाथ में मेरी छोटी बच्ची थी। अपना प्यार दिखा नहीं सकता, उसे मैं अपने अंदर दबा कर रखता हूं। इस फोटो के पीछे जो तारीख लिखी हुई है, उस दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा शक है। मिस्टर कन्नन, आपकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ सकती है। शर्म नहीं आती? उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे रहते कुछ नहीं कर सकता सर, उसे जिंदा या मुर्दा आपके सामने खड़ा करूंगा सर। सर, 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 क्या हुआ? सर फैक्स आया है। तुम बिना बेवक्त आ जाते हो, क्या बात है? नागापट्टनम हेडक्वार्टर से आया है सर। हेडक्वार्टर ने शादी की बधाई भेजी होगी और क्या? सर ये तो वो जीवन वापस इंडिया में आ गया, वो सीधा यहीं पर आएगा। उसी दिन उसे मार देना चाहिए था, गलत किया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यस सर। ए श्रवण, तू टेंशन मत ले, हम लोग देख लेंगे। दिखा जरा कौन है ये। अगर उसे मारेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। उसे रात भर मारते रहो तब भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकलती, बहुत खतरनाक है वो। जल्दी निकलो, मैं भी आता हूँ। अरे इसकी बात तो सुन श्रवण। यार तू बिना टेंशन लिए शादी कर, उसे मार के ही हम शादी का बोझ खाएंगे। हाँ, उसकी मौत ही उसका अंत है, उसकी मौत के बाद ही मैं अपनी शादी के फेरे लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। Hey!
अरे अंदर जाके सब ध्यान दो ना। धमाजी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं, अभी आ जाएंगे। अरे टाइम हो रहा है, इस वक्त वो पुलिस स्टेशन क्यों गए? बोल के गए थे जल्दी आने के लिए। ठीक है जाकर देखिए खाना हुआ क्या। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे जाना है वरना बसंती मर जाएगी। बसंती नहीं मरेगी, मरेगा तू, तू मरेगा। मुझे जाने दो वरना बसंती अपनी जान दे देगी। श्रवण लड़का मर गया है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, तू यहां से चल। इसका हाथ खोल दो। ओके सर। Thank you.
अगर मैं बस एक मिनट, अगर एक मिनट भी आने में देर हो जाती ना, तो आपकी बेटी जिंदा नहीं बचती। आपने जैसा कहा वैसा मैं रावण की तरह कोई राक्षस नहीं हूं, रावण की तरह अवतार भी नहीं हूं, एक साधारण इंसान हूं, दुख और दर्द को भूलने वाला। बसंती का प्यार है मेरा सहारा बना था। मुझे मेरी जिंदगी में बसंती चाहिए। अगर मैं गद्दार होता तो आपकी बसंती को कब का लेकर भाग जाता और उसके साथ आराम से खुश रहता। तब कोई कुछ नहीं, ये पुलिस और आप कुछ नहीं कर पाते मेरा। सिर्फ मुझे छोड़कर सारे सगे संबंधियों को मैंने खो दिया है। मैं आपकी हैसियत जानता हूं, मुझे पता है। मैं यहां आया था सिर्फ बसंती की जान बचाने, और वो मैंने बचा ली है। माँ की यादों में जीते हुए अपने 20 साल गुजार दिए। जैसी जिंदगी आपने जी है पापा, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज पापा, जीवन मुझे दे दीजिए। चल ले जा इसे, देख क्या रहा है। तुझसे अच्छा लड़का मेरी बेटी को और भला इस दुनिया में हमें कहाँ मिलेगा। जा जा, अपने घर लेकर जा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तू जिंदा रहेगा मेरी बेटी का ख्याल करेगा और उसे खुश रखेगा। आज से ये तेरी है, तूने ही मेरी बेटी को मुझे लौटाया है। हमेशा खुश रहो, जिसे तू चाहती थी मैंने तुझे उसे दे दिया। जा। Thank you.